तो आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों ने चैप्टर पहले भी किया होगा और आपको कुछ कुछ आइडिया तो होगा इसके बारे में कि ह्यूमन हेल्थ क्या है, डिजीजेस क्या है। तो चलो सबसे पहले आप ही मुझे बताइए, व्हाट इज हेल्थ, क्या होता है? आपको क्या लगता है, व्हाट इज हेल्थ? बताइए, आप तो लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो, व्हाट इज हेल्थ? अगर अगर हम हेल्थ को डिफाइन कर पाएंगे तभी डिजीज को डिफाइन कर पाएंगे कि डिजीज क्या होती है। फिजिकल मेंटल वेलबींग, ओके। इट इज टोटल वेलबींग। टोटल वेलबींग का मतलब क्या है सीमता? फिजिकल, सोशल, मेंटल, ओके। ठीक है, चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपके एनसीईआरटी में ना कुछ एक पैराग्राफ दिया गया है स्टार्टिंग में, सबसे पहले उसका मीनिंग समझ लेते हैं। ऐसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एनसीईआरटी में गिवन है तो उसको कर लेते हैं। बाकी जो मेन चीजें हैं इस चैप्टर में, आपके डिजीजेस हैं काफी सारी, डिजीज वाला पोर्शन कवर करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कवर करेंगे आपका इम्यूनिटी वाला पोर्शन, एंड इसके बाद हमारे पास लास्ट में इसमें कुछ ड्रग्स वगैरह का भी है कुछ, और बाकी आपके एड्स के बारे में है। तो सबसे पहले यहाँ पे जनरल देख लेते हैं कि हमारे पास हेल्थ क्या चीज है। तो देखिए, बहुत लंबे टाइम पुरानी बात है, फॉर लॉन्ग टाइम सॉरी, बहुत पहले लोग क्या मानते थे, वो कंसिडर करते थे कि हमारे पास हमारी बॉडी का स्टेट क्या है और हमारे पास माइंड का स्टेट क्या है। अगर वहां पर बॉडी का जो स्टेट और जो माइंड का स्टेट है, इन दोनों के अंदर बैलेंस है तो हम कहते हैं कि वो क्या है, एक हमारे पास एक हेल्दी पर्सन है। बट एनसीईआरटी में एक लाइन मेंशन की गई ह्यूमर के बारे में, कि जो पहले के जो लोग होते थे, जो अगर हम बहुत पहले की बात करें, बहुत ही जब डॉक्टर्स होते ही नहीं थे, जब हम किसके ऊपर डिपेंड होते थे, आपके आयुर्वेदा के ऊपर डिपेंड होते थे या बाकी जड़ी बूटियों के ऊपर, तो उस टाइम के लोगों का मानना ये था कि हमारी बॉडी में क्या होता है, कुछ ह्यूमर होता है। ठीक है, ह्यूमर क्या होता है, जैसे आपको पता होगा ह्यूमर ऐसे नॉर्मली हम वर्ड यूज करते हैं हमारे पास कि स्टेट क्या है बॉडी का, इसके लिए हम वर्ड इसको यूज करते हैं ह्यूमर वर्ड। लेकिन मैंने इसके जितना नेट पे इसके बारे में पढ़ा, तो ह्यूमर कहने का मतलब ये कि हमारी बॉडी में फोर ह्यूमर्स देखने को मिलते हैं जो हमारे बॉडी के बेसिक एलिमेंट को बनाते हैं, जिसमें से हमारे पास फर्स्ट ह्यूमर होता है ब्लड। जैसे ह्यूमर का मीनिंग होता है लिक्विड, कोई भी चीज कि अगर उन सारी चीजों का बैलेंस रहता है हमारी बॉडी में तो हम कहते हैं कि वो क्या है, एक हेल्दी पर्सन है। ब्लड एक ह्यूमर है। इसके अलावा हमारे पास एक येलो बाइल आता है, ये भी एक ह्यूमर है। इसके अलावा हमारे पास एक आता है ब्लैक बाइल। आपको ये करना नहीं है, जस्ट थोड़ी सी एडिशनल बातें हैं यहाँ पे। एंड लास्ट ह्यूमर हमारे पास आता है फेलगम। तो पहले के जो लोग थे उनका मानना ये था कि अगर हमारी बॉडी में ये जो चार ह्यूमन है, ह्यूमर जो है, यही हमारी बॉडी को बनाते हैं, हमारी बॉडी के एलिमेंट्स को बनाते हैं, और अगर इनका बैलेंस होता है तो हम कहते हैं कि वो पर्सन क्या है, हेल्दी है। तो यहाँ पर पहली फर्स्ट लाइन ही यही लिखी गई है, हेल्थ फॉर लॉन्ग टाइम वॉज कंसिडर्ड एज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देर वॉज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमन। जहां पर क्या होता है, बैलेंस होता है सर्टेन ह्यूमन का। तो हमारे पास ये जो पहले के जो ग्रीक थे, आप सबने हिपोक्रेट्स के बारे में सुना होगा कि हमारे पास ये जो ग्रीक के थे, हिपोक्रेट थे, और एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम, वो सारा यही वो उन सबका यही मानना था
कि हमारी बॉडी में जो ह्यूमर है अगर उनका बैलेंस होता है तो ही पर्सन क्या होता है, हेल्दी होता है। और उनका मानना ये भी था कि ऐसा पर्सन जिसमें क्या हो, मतलब ऐसे पर्सन जो आपके ब्लैक बाइल को बिलोंग करे, उसकी बहुत ज्यादा हॉट पर्सनैलिटी होती है एंड उन्हीं को फीवर होता है। लेकिन एक्चुअल में ये सारा का सारा आइडिया जो है आपका, ये सारा किसके ऊपर बेस्ड था, थॉट के ऊपर बेस्ड था। इसमें कुछ भी हमारे पास कोई साइंटिफिक चीजें नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था कि कोई कुछ मतलब कोई जो लोग हैं उस इन सारी चीजों को प्रूव कर पाए। तो हमारे पास जब ब्लड की डिस्कवरी की विलियम हार्वे ने, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने की है, सो डिस्कवरी की है ब्लड सर्कुलेशन की विलियम हार्वे ने। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये चीज डेमोन्स्ट्रेट किया, क्या उन्होंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विद ब्लैक बाइल यूजिंग द थर्मोमीटर डिस्प्रूव द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ द हेल्थ। मतलब उन्होंने ये देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि जो पर्सन आपके मतलब जो आपके ब्लैक बाइल को वो करते हैं उनकी हॉट पर्सनैलिटी होती है। उन्होंने इस चीज को टोटली क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया जब उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेशन दिया, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विद द ब्लैक बाइल, जो नॉर्मल जो एक नॉर्मल पर्सन है उनकी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर उसका भी उन्होंने ब्लैक बाइल चेक किया, और मान लेते कि कोई ऐसा पर्सन जिनको फीवर है उनका ब्लैक बाइल भी चेक किया। तो उसके बाद उन्होंने जो ये गुड ह्यूमर वाला कंसेप्ट था उसको उन्होंने क्या कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया। बाद में हमारे पास जो हम आज की बात करते हैं, जब साइंस के अंदर थोड़ा सा डिस्कवरी हुई, हमें कुछ साइंटिफिक चीजों के बारे में पता चलना शुरू हुआ, तो बायोलॉजी क्या कहती है कि माइंड की माइंड इन्फ्लुएंस करता है। माइंड को इन्फ्लुएंस कौन करता है, सबको पता है न्यूरल सिस्टम ही करता है, हमारा ब्रेन जो है, एंड ब्रेन को भी या हमारी पूरी बॉडी को भी कौन कंट्रोल करता है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम को। आज हमें अच्छे तरीके से पता है कि जो हमारी मेन बॉडी है उन सबको कंट्रोल करने वाले दो सिस्टम होते हैं। एक होता है हमारे पास नर्वस सिस्टम, जिसमें कौन काम करता है, ब्रेन काम करता है, एंड सेकेंड होता है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें कौन चले आते हैं, हॉर्मोन्स चले आते हैं। तो हमारे पास ये जो हॉर्मोन्स हैं और जो ब्रेन है, दोनों ही हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, एंड दोनों ही हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है। तो लेटर ईयर में बायोलॉजी ने क्या कहा, बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम। माइंड किसके थ्रू इन्फ्लुएंस होता है, न्यूरल सिस्टम के थ्रू एंड साथ ही साथ में एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, मतलब हमारी बॉडी में जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, एंड आर इम्यून सिस्टम दैट आर इम्यून इम्यून सिस्टम मेंटेन आर हेल्थ, और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है। तो माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आर हेल्थ, तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो हमारी हेल्थ है उसको अफेक्ट कौन करता है, हमारा माइंड और हमारा मेंटल स्टेट। लेकिन इसके अलावा हेल्थ को बाकी फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं, इसके बारे में भी आपको अच्छे तरीके से पता है। जेनेटिकल डिसऑर्डर, मान लेते हैं कि कोई डिजीज हमारे पेरेंट्स में थी, अब वो डिजीज क्या हो रही है, हमारे अंदर ट्रांसफर हो रही है, तो जो हमारी हेल्थ है उसको जेनेटिकल डिसऑर्डर भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। लाइक डेफिशिएंसी विद विच चाइल्ड इज बॉर्न एंड डेफिशिएंसी या डिफेक्ट विच चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट फ्रॉम बर्थ, अगर हम कोई भी डिजीज अपने पेरेंट्स से लेकर आए हैं। इसके अलावा हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हेल्थ को वो भी इफेक्ट करता है। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल, कैसा खाना पीना हम खाते पीते हैं, पानी कैसा पी रहे हैं, खाना कैसा खा रहे हैं, हमारी डाइट कैसी है, हम कितना आराम करते हैं, एक्सरसाइज कितनी करती है, हमारा हमारी बॉडी हैबिट्स कैसी है, मतलब पूरे दिन में हमारी क्या क्या एक्टिविटीज रहती है, तो ये सारी चीजें भी क्या करती है, हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है। सो लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग द फूड एंड वाटर वी टेक, रेस्ट, एक्सरसाइज वी गिव टू आवर बॉडीज एंड हैबिट्स दैट वी हैव और लैक एक्सेट्रा, ये सारी बातें। तो ये वाला पैराग्राफ तो ओनली जनरल बातें थी, इसमें से जस्ट ओनली आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमारे पास ये जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका डिस्कवरी किसने किया था, विलियम हार्वे ने। बाकी ये सारी ओनली जनरल बातें हैं कि पहले ये मानते थे अब ये मानते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो हम मेन करेंगे वो हमारे पास अभी नेक्स्ट में आएगा। अब देखिए आगे क्या है हमारे पास, ये जस्ट ये हमारे पास वही है जो अभी मैंने आपको बताया कि फोर ह्यूमर्स होते हैं, ब्लड हो गया, ब्लैक बाइल हो गया, फेलकम हो गया, येलो बाइल हो गया। मतलब पहले के लोगों का उनका कुछ मानना ये था, जैसे आपने सुना होगा कि नॉर्मली बातें करते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो आपके फोर एलिमेंट से मिलकर बनी है, जैसे अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, आप सुनते होंगे ऐसे शास्त्रों वगैरह में इस तरह की बातें करते हैं। तो उनका भी मानना यही था
कि अगर हमारी बॉडी में इन सारी चीजों का बैलेंस रहता है तभी क्या रहते हैं हम हेल्दी रहते हैं। फाइव मतलब वासु, अच्छा फाइव एलिमेंट, ओके हाँ ठीक है ठीक है। हाँ पांच एलिमेंट से मिलकर हमारी बॉडी बनी है, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, यही हो गए ना पांच। तो उनका मानना भी यही था पहले के जो ग्रीक्स थे या जो पहले का जो आयुर्वेदिक सिस्टम था कि अगर उन सबका बैलेंस रहता है हमारी बॉडी में तो वही क्या रहते हैं हम हेल्दी रहते हैं। तो यहाँ पे हेल्दी पर्सन कौन है और आप किसको हेल्दी कहोगे? तो जैसे अभी हमने कहा कि हेल्थ का मतलब आप सबने भी यही कहा कि अगर हम कह रहे हैं कि एब्सेंस ऑफ डिजीज मतलब कोई डिजीज नहीं है तो उसको हेल्थ का मतलब ये नहीं कि वो डिजीज नहीं, इट मीन्स वो हेल्दी हो गया और हमारे पास फिजिकली फिट हो गया। हेल्दी एक हमारे पास हेल्दी पर्सन का मतलब है कि अगर वो कंप्लीट हेल्दी हो, मतलब फिजिकली भी हेल्दी हो, मेंटली भी हेल्दी हो, सोशली भी वेलबींग हो। सो व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क। ये भी आप सिंपल सी बात है, हमें कुछ भी नहीं लिखा गया है कि हमारे पास जो हेल्दी पर्सन होता है वो ज्यादा काम करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा आती है और इवन वो क्या करता है इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ब्रिंग करता है। इसके अलावा ऐसा पर्सन जो हेल्दी होगा उसकी क्या होगी, लाइफ ज्यादा होगी, इंक्रीज लॉन्गेविटी ऑफ द पीपल और रिड्यूस इन्फेंट मतलब बच्चे की डेथ कम होगी, मेटरनल मोर्टेलिटी ये सब क्या होने वाला है हमारे पास डिक्रीज ही होने वाला अगर कोई पर्सन क्या होगा हेल्दी होगा। और हेल्दी रहने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, बैलेंस डाइट, अच्छा खाना, ये अपने सफाई वगैरह, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज करें, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगर हम एक गुड हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं। हमें योगा करना चाहिए ठीक है, ताकि हम क्या कर सके अपनी फिजिकल और अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर सके। इसके अलावा हमें डिजीज के बारे में पता होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, अवेयरनेस होनी चाहिए डिजीज के बारे में। और मान लेते कि अगर हमें कोई डिजीज हो गई है उसका हमारी बॉडी के फंक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो अगर हमें डिजीज के बारे में नॉलेज होगी तभी हमें पता होगा कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन से वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पा रहे, हमें डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, हमें ये दिखाना चाहिए। लेकिन अगर हमें डिजीज के बारे में अवेयरनेस ही नहीं होगी तो कैसे हम अपनी हमें पता चलेगा कि नहीं कुछ ना कुछ चीजें गड़बड़ है। हमें वैक्सीनेशन के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए कि वैक्सीनेशन क्या होती है, जिसे हम इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। अगर कोई भी हमारे पास इन्फेक्शन डिजीज हो जाए प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए वेस्ट का, कंट्रोल करना चाहिए वेक्टर्स का। वेक्टर्स क्या होते हैं जो डिजीज को ट्रांसफर करने का काम करते हैं, लाइक मॉस्किटो। जैसे आपने सुना होगा कि जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो होती है वो मलेरिया कॉज करती है, लेकिन एक्चुअल में मलेरिया को कॉज करने वाला होता है प्लाज्मोडियम ये, और प्लाज्मोडियम जो होता है हमारे पास वो एक प्रोटिस्ट है। तो प्लाज्मोडियम करता है मलेरिया कॉज, लेकिन ये जो प्लाज्मोडियम जो है ये हमारे पास उस मॉस्किटो की बॉडी में रहता है। तो इसीलिए अब वो कैसे काम कर रहा है, वो वहां पर ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। तो जो ट्रांसफर करने का काम करता है उसको हम बोलते हैं वेक्टर। तो यहाँ पे क्या है कि हमें वेक्टर को कंट्रोल करना चाहिए और मेंटेन करना चाहिए हाइजीन, फूड एंड वाटर रिसोर्सेज ठीक है, जो हमारी सारी चीजें किसके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे पास गुड हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सारी बातें वही है कि इसमें कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर लर्न करने वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा है, ओरल हाइजीन, बाथिंग रिचुअल्स, हेयर केयर, फुट हाइजीन, टॉयलेट हाइजीन, हैंड हाइजीन, यहाँ पे सारी बातें रहेंगी और कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा हमें सोना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए, नहाना धोना चाहिए और हमारा खाना एकदम अच्छा होना चाहिए, जंक फूड नहीं होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल होने चाहिए। अब बात करते हैं डिजीज की, डिजीज क्या होती है। अब हमारा चैप्टर थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझने की तरफ आ रहा है, अब इससे पहले तो सारी जनरल बातें थी। जब भी हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन या हमारी बॉडी का कोई भी सिस्टम अफेक्टेड हो जाए, आपका प्रॉपर ढंग से फंक्शन परफॉर्म ना कर पाए, तो हम कहते हैं कि पर्सन क्या है, डिजीज है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे हम बोलते हैं नॉर्मल कि आज हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमारा पेट खराब लग रहा है या फिर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन है वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पा रहे, या जो सिस्टम है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे, वो अफेक्टेड हो चुके हैं, उसी को बोलते हैं डिजीज। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन और सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली इफेक्टेड उसे कहते हैं डिजीज। उसके बाद अब ये जो डिजीज है हमारे पास ये दो टाइप की हो सकती है,
डिजीज क्या है, दो टाइप की कौन कौन सी है? एक हमारे पास इंफेक्शियस डिजीज हो सकती है और सेकेंड हमारे पास हो सकती है नॉन इंफेक्शियस डिजीज। अब इंफेक्शियस और नॉन इंफेक्शियस भी आपको काफी अच्छे तरीके से पता है कि ऐसे डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए उनकी उनकी चीजों का यूज करने से, कि अगर हम उनसे मिल रहे हैं या अगर हम अगर हम उनके कुछ ना कुछ उनकी उनकी चीजें यूज कर रहे हैं, उनके उनका हमने टाइल्स यूज कर लिया, उनके हमने बर्तन यूज कर लिए, उनके साथ हमने खाना शेयर कर लिया, तो ऐसी डिजीज जो उसकी वजह से ट्रांसफर हो रही है उन्हें हम कहेंगे इन्फेक्शियस डिजीज। और ऐसे डिजीज जो आपकी ट्रांसफर नहीं होती, जैसे एड्स हो गया, कैंसर हो गया, अगर मान लेते हैं कि मुझे कैंसर है और अगर मेरे साथ भी कोई पर्सन बैठा हुआ है तो उसको कैंसर नहीं होगा, तो ये सारी कैसे डिजीज है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। तो डिजीज हमारे पास इन्फेक्शियस भी हो सकती है, नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकती है। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है, जो डिजीज आपकी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए। और हमारे पास जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है बहुत ही कॉमन होती है, जैसे आपने कॉमन कोल्ड सुना है, कोल्ड भी क्या होता है, इन्फेक्शियस ही होता है। अगर मान लेते किसी पर्सन को हुआ है, अगर हम उनके टाइल्स वगैरह यूटेंसिल कुछ भी यूज कर रहे हैं, उनके साथ अगर हम खाना भी शेयर करते हैं तो भी हमें हो सकती है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास कुछ डिजीज ऐसी कैंसर वगैरह, वो क्या होती है, हमारे पास नॉन इन्फेक्शियस है, मुझे है तो मेरे साथ कोई पर्सन बैठा है उसको नहीं हो। और इसके अलावा जो ड्रग्स हैं और अल्कोहल का जो मतलब जो अपनी डाइट में लेते हैं उसकी वजह से भी क्या होती है, हमारी हेल्थ क्या होती है, एडवर्सली इफेक्टेड होती है। तो अब यहाँ पे बात करेंगे कि डिजीज को कॉज कौन करता है। अब हमारे पास डिजीज को कॉज करने वाले बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो डिजीज कॉज करते हैं वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, हेलमिंथस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब प्लीज आपको उसके बारे में पता होगा, हेलमिंथस कौन होते हैं, एनिमल किंगडम के मेंबर होते हैं। एनिमल किंगडम में आपने दो फाइलम पढ़े होंगे, एक हमारे पास आता है प्लेटी हेलमिंथस और सेकंड फाइलम आपने किया होगा एस्केलमिंथस। एस्केलमिंथस को ही हम राउंड वर्म्स भी कहते हैं और इसे हम नेमाटोड भी कहते हैं, लेकिन प्लेटी हेलमिंथस को हम बोलते हैं फ्लैट वर्म्स। तो अब हमारे पास क्या है कि डिजीज कौन कौन कॉज कर सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ। जो भी मैंने आपको प्लाज्मोडियम बताया, प्लाज्मोडियम आपका एक प्रोटोजोआ ही है, ठीक है। इसके अलावा हेलमिंथस, ये सारे डिजीज कॉज कर सकते हैं। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज कर सकते हैं उसे हम कहते हैं पैथोजन। तो पैथोजन क्या होता है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। अब हमारे पास कई बार क्या होता है, जो ये पैथोजन होते हैं ये कई बार पैरासाइट भी होते हैं। अब पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट वर्ड हमेशा हम उसके लिए यूज करते हैं जहां पर उस ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म ही चाहिए, मतलब लिविंग बॉडी ही चाहिए अपने फूड के लिए, हार्म करने के लिए। तो पैरासाइट आर द पैथोजन एज दे हार्म द होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन देम। वो उनकी बॉडी के बाहर भी रह सकते हैं और उनकी बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं। तो ध्यान रखना, कुछ भी हो सकते हैं पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड हमारे पास हेलमिंथस। अब बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती है, वायरस की वजह से कौन सी डिजीज होती है, फंजाई की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से, हेलमिंथस की वजह से, आज हम यही वाला हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं कॉमन इंफेक्शियस डिजीज इन मैन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बात करेंगे आपकी बैक्टीरियल डिजीज की, कि बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती है। तो प्लीज एक काम करना, आप अपनी कॉपी पेन लेकर साथ में बैठना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कौन सी डिजीज फंजाई की वजह से थी, कौन सी बैक्टीरिया की वजह से, कौन सी वायरस की वजह से। तो यहाँ पे समझने के लिए मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी की सारी डिजीज को यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म में रखा था कि आप इसको नोट कर लो। तो यहाँ पे देखिए क्या है, बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती है। सबसे पहली है टाइफॉइड, सेकेंड है निमोनिया, थर्ड है डायसेंट्री, फोर्थ है प्लेग एंड लास्ट में डिप्थीरिया। तो हमारे पास ही पांचों की पांचों डिजीज कौन कॉज करता है, बैक्टीरिया ही कॉज करता है। ये सारी हमारे पास क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। सबसे पहले बात करेंगे टाइफॉइड। तो हमारे पास ये जो टाइफॉइड डिजीज है, पैथोजन कौन है, यहाँ पे अभी भी बात की पैथोजन कौन है, बैक्टीरिया।
टाइफाइड कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम क्या है? सेलमोनेला टाइफी। तो प्लीज मैं चाहती हूँ आप उसको साथ में नोट कीजिए, क्योंकि अभी तो आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं हो रहा है, लेकिन साथ में आप भूल जाओगे जब अभी हम आगे आगे और डिजीज करेंगे। तो टाइफाइड कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम है सेलमोनेला टाइफी। अब सेकेंड क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये आपका ट्रांसमिट कैसे होता है, कैसे इसका ट्रांसमिशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी पिक्चर से देते हैं, थ्योरी बाद में करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ऐसे पर्सन जो आपके टाइफाइड से सफर करते हैं, उनको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, मतलब फीवर होता है, बहुत ज्यादा सीवर हेडेक होता है, नोजिया, स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख नहीं लगती है, कॉन्स्टिपेशन, या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या फिर डायरिया हो जाता है, और इवन बॉडी पे रैशेज भी हो जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं डायरिया के, जिसमें से सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम होता है हमारे पास फीवर का। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा हाई फीवर हो जाता है। अब उसके बाद कैसे कैसे यहाँ पे आपका ये ट्रांसफर होता है, जैसे आप इस पिक्चर के अंदर देख ही रहे हो, पानी क्या है? गंदा है, कॉन्टेमिनेटेड वाटर है, और इस पानी में क्या है? बैक्टीरिया प्रेजेंट है, और कौन सा बैक्टीरिया है? सेलमोनेला टाइफी। और इस पानी को हमने पी लिया, पीने के बाद कहाँ जाएगा? हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारी इंटेस्टाइन में जाएगा, और इंटेस्टाइन में जाके क्या कर देगा? अल्सर्स कर देगा। और इसके साथ साथ ही जो हमारा स्प्लीन होता है और हमारा जो लीवर होता है उसका साइज भी बड़ा हो जाता है। आपको पता होगा अगर हमारा लीवर जो है अगर नॉर्मल साइज से थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना, तो वो इंडिकेशन होता है कि हमारा लीवर ठीक नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इसके अलावा बॉडी के अंदर क्या होते हैं? रैशेज हो जाते हैं, जो हमारी टंग होती है उस पर व्हाइट कोटिंग हो जाती है बहुत ज्यादा। तो ये सारे क्या है? सारे सिम्टम्स है। अब कैसे फैलता है? हमने कहा गंदे पानी की वजह से, गंदा पानी, गंदा खाना, ऐसा खाना या ऐसा पानी जिसमें क्या था हमारे पास? सेलमोनेला टाइफी प्रेजेंट था, और हमने उसको खा लिया, खाने के बाद हमारे इंटेस्टाइन में चला गया, और इंटेस्टाइन के अंदर क्या करता है? अल्सर्स कॉज करता है, और साथ ही साथ में फीवर हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। बट उसके अलावा अब बात करते हैं कि हम अगर चाहते हैं कि हम डिटेक्ट करना चाहते हैं कि हमें टाइफाइड हुआ है कि नहीं हुआ है, तो टाइफाइड को डिटेक्ट करने के लिए जिस टेस्ट का हम यूज करते हैं, उस टेस्ट का नाम है वाइडिंग टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा टेस्ट करवाया जाता है, किसके लिए? टाइफाइड को चेक करने के लिए कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये इंपॉर्टेंट है, वाइडल टेस्ट करवाते हैं किसके लिए? कंफर्मेशन के लिए। अब इसका नाम वाइडल क्यों पड़ा वो भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बात करते हैं हमारे पास कि जो हमारे पास ये जो टाइफाइड जो डिजीज है आपकी स्प्रेड कैसे हुई थी, कैसे हुई थी। तो हमारे पास आप यहाँ पे एक लेडी देख रहे हो, इन लेडी का नाम है मैरी मेलोन टाइफी। इनका नाम है मैरी मेलोन। अब ये जो मैरी मेलोन थी, कहाँ की बात है? न्यूयॉर्क की बात है। तो हुआ क्या था कि एक्चुअली ये वहां पे स्ट्रीट फूड बनाती थी। तो स्ट्रीट फूड जो उन्होंने बनाया, नॉर्मली जो इनका जो पानी होता था वो बहुत ज्यादा मतलब क्लीन नहीं था। तो यहाँ पे स्ट्रीट फूड बना के इन्होंने बहुत सारे स्ट्रीट फूड लोगों को खिलाया, और उस टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। क्यों डेथ हुई? क्योंकि पानी क्या था? गंदा था। पानी में क्या थे? सेलमोनेला टाइफी था। बाद में पता चला कि जो ये लेडी जो अपना फूड प्रिपेयर जो कर रही है, ये कैरियर है उस टाइफाइड की। खुद भी सफर थी, लेकिन इन्होंने बहुत सारे लोगों को भी खिलाया, तो जिसकी वजह से इनकी क्या हुई? डेथ हो गई। इसीलिए इनका मतलब इनका निकनेम था टाइफाइड मैरी। तो इनके टाइफाइड मैरी से ही नाम पड़ गया टाइफाइड डिजीज का, लेडी के नाम से। मैरी मेलोन नाम था, निकनेम था टाइफाइड मैरी। तो हमारे पास क्लासिक केस का मेडिसिन में क्या है? मैरी मेलोन, जिनका निकनेम क्या है? टाइफाइड मैरी। ये प्रोफेशन क्या थी? शी वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन एंड वॉज अ टाइफाइड कैरियर हु कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर द सेवरल इयर्स थ्रू आउट द फूड शी प्रिपेयर। जो ये खाना बना रही थी, उस खाने में क्या था? वो अच्छा नहीं था, क्लीन नहीं था। क्लीन में क्या था? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम है सेलमोनेला टाइफी। तो लोग मरते गए, बाद में पता चला कि ये क्या है? कैरियर है। तो इनके निकनेम पे ही क्या पड़ गया? डिजीज का नाम पड़ गया, नाम है टाइफाइड। ठीक है, और इस टेस्ट को करवाने के लिए, मतलब कंफर्मेशन के लिए कि टाइफाइड है कि नहीं है, कौन सा टेस्ट करते हैं? वाइडल टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर बस आप ये पिक्चर भी देख सकते हो, जस्ट ओनली हमारे पास ऐसी फनी सी पिक्चर है। ये मैरी मेलोन है, ये खाना दे रही है, और बाकी जो लोग मर गए वो मना कर रहे हैं कि नहीं, आप इस खाने को मत खाओ। अब उसके बाद बात है कि हम कैसे प्रिवेंट करें टाइफाइड को। तो पहला तो ये वैक्सीनेशन से, अगर हम जो भी पानी पी रहे हैं वो आपका फिल्टर होना चाहिए, या फिर वो ड्रिंक होना आपका बॉयल होना चाहिए वाटर,
हमें स्ट्रीट फूड को अवॉइड करना चाहिए, अगर हम बाहर से कोई भी बॉटल्स ले रहे हैं वो आपकी प्रॉपर सील होनी चाहिए, वेजिटेबल्स वॉश होने चाहिए, हमारे हैंड क्लीन होने चाहिए, फूड आपका प्रॉपर मतलब कुक होना चाहिए, और हमें जो भी स्पून्स वगैरह हैं या कोई इन्फेक्टेड पर्सन के यूटेंसिल है उनको हमें अवॉइड करना चाहिए कि उनका उनका उनको शेयर ना करें। ठीक है, तो ये था हमारे पास यहाँ पे टाइफाइड के बारे में। तो यहाँ पे ये सारी बातें वही लिखी गई है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। इट एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है किसके थ्रू, फूड के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू। बट कैसा फूड और कैसा वाटर, कॉन्टेमिनेटेड वाटर। अगर उस वाटर में, अगर उस फूड में कौन प्रेजेंट है, सेलमोनेला टाइफी प्रेजेंट है एंड माइग्रेट कर जाता है अदर ऑर्गन्स में ब्लड के थ्रू। कैसे एंटर करता है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी खाना हम खाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड में जाएगा और ब्लड से क्या होगा, बाकी ऑर्गन्स के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। सिम्टम्स क्या क्या है, बहुत ज्यादा हाई फीवर होता है 39 to 40 degrees Celsius, वीकनेस आ जाती है, स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होगा या फिर तो डायरिया हो जाएगा, हेडेक होगा, सरदर्द, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो जाएगी, परफोरेशन, अल्सर की वजह, हम देखा था अल्सर्स हो गए थे वहां पे, तो अल्सर की वजह से क्या होता है, छेद हो जाते हैं वहां पे, और कई बार टाइफाइड की वजह से क्या होता है, डेथ भी हो जाती है। अब अगर हम चाहते हैं इसका कंफर्मेशन लेना कि डिजीज है कि नहीं है, तो कौन सा टेस्ट करवाते हैं, वाइटल टेस्ट करवाते हैं, किसके लिए, कंफर्मेशन के लिए। किसकी कंफर्मेशन के लिए, टाइफाइड की कंफर्मेशन के लिए। तो आपको यहाँ पे ना तीन चीजें ध्यान रखनी है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट, कि हमारे पास जो टाइफाइड है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, बैक्टीरिया का नाम है सेलमोनेला टाइफी। इसके बाद ट्रांसमिशन कैसे होता है, गंदे पानी से, गंदे फूड से, कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड कॉन्टेमिनेटेड वाटर। अगर हम चाहते हैं डिजीज का कंफर्मेशन करना, कौन सा टेस्ट करते हैं, वाइडल टेस्ट करते हैं, बस इस डिजीज में इतना ही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डिजीज है वो हमारे पास है निमोनिया। तो निमोनिया भी आपने सुना ही होगा, निमोनिया किसको बोलते हैं, जिसमें हमारे लंग्स इंफेक्टेड हो जाते हैं, आप देखिए निमोनिया में क्या होता है। निमोनिया जो है हमारे पास एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। अगर आप, आपको पता होगा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कौन हेल्प करता है, एल्वोलाई, जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स के अंदर ये बहुत सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं एल्वोलाई, और एल्वोलाई के पास ही क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का। अब ये हमारे पास ही नॉर्मल जो पर्सन है, देखो ये इसकी एल्वोलाई है, आप देख सकते हो वहां पे काफी अच्छा खासा पैसेज है, अगर हमें क्या करना है, एक्सचेंज करना है गैसेस का। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ऐसे पर्सन जो आपकी निमोनिया से सफर करते हैं उसमें देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है। ये आप देखो ये क्या है, ये हमारे पास म्यूकस है, इतना ज्यादा एक्सेस में म्यूकस प्रोड्यूस हो जाता है कि सारा का सारा म्यूकस कहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, हमारे यहाँ पे या तो ब्रोंकियोस में, कुछ ट्रैकिया में भी, और इवन हमारे पास जो एल्वोलाई होते हैं आपको पूरी ये क्या होते हैं, आपके इसी से फिल हो जाते हैं। इसके फिल होने की वजह से यहाँ पे प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाता है गैसेस का, एंड किसमें प्रॉब्लम आती है, ब्रीदिंग के अंदर प्रॉब्लम आती है। तो ये कैसा डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी। अभी आपने सुना होगा मेजोरिटी ऑफ केस जो अभी जो आ रहे हैं कोविड के, हम क्या कह रहे हैं कि कोविड में क्या होता है, निमोनिया ही हो रहा है, क्योंकि जो हमारा ये कोरोना वायरस है ये हमारे लंग्स को ही इन्फेक्ट करता है, और लंग्स को इन्फेक्ट करने के बाद क्या करता है, निमोनिया, आपने सुना ही होगा। तो निमोनिया की वजह से डेथ होगी। तो निमोनिया में हो क्या रहा है, जैसे आप यहाँ पे देखो कि हमारे पास इतना ज्यादा एक्सेस में म्यूकस सिक्रेट हो गया है कि उसने पूरे के पूरे एयर पैसेज को ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है गैसेस का, बॉडी में क्या हो रही है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है। डेफिशिएंसी होने की वजह से या तो हम ऐसे ही मर जाएंगे या तो हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि हार्ट अटैक का एक रीजन क्या है, अगर हमारे पास प्रॉपर हमें क्या नहीं मिल रहा है, हमें यहाँ पे गैसेस नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि निमोनिया की, देखिए ये हमारे पास नॉर्मल पर्सन की ब्रोंकियल है, ये नॉर्मल पर्सन की एल्वोलाई है, बट आप यहाँ पे निमोनिया वाले केस में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इतना ज्यादा यहाँ पे म्यूकस आपका सिक्रेट हो गया, क्योंकि छोटा सा पैसेज रह गया है, बिल्कुल हमारा जो पैसेज बहुत ज्यादा नैरो हो गया है। एल्वोलाई किससे भर गया, आपको आपका फ्लूड से एक्यूमुलेट हो गया है। तो इन्फ्लामेशन कहाँ पे होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। अब ये करवाता कौन है, तो ये भी बैक्टीरिया ही है, और बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो निमोनिया को कॉज करने वाला पैथोजन भी कौन है, बैक्टीरिया ही है। लेकिन ध्यान रखना, अभी मैंने कोविड की बात की थी, वहां पे वो वायरस है, तो यहाँ पर हमारे पास जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है
बैक्टीरिया भी कॉज करवा सकता है, वायरस भी कॉज करवा सकता है, लेकिन निमोनिया को जो कॉज करवाता है उस पैथोजन का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो प्लीज आप साथ साथ में उसको नोट भी कर लो क्योंकि आप कुछ टाइम बाद उसको भूल जाओगे। निमोनिया कौन कॉज करवा रहा था, सॉरी टाइफाइड कौन कॉज करवा रहा था, सेल्मोनेला टाइफी। निमोनिया को कौन कॉज करवाता है, पैथोजन का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और सेकेंड बैक्टीरिया का नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। दोनों बैक्टीरिया ही निमोनिया को कॉज करवाते हैं। किसको इन्फेक्ट करते हैं, लंग्स के अंदर जो एल्वोलाय प्रेजेंट होती है जो क्या करवाती है, एक्सचेंज करवाती है गैसेस का। एल्वोलाय किससे फिल हो जाते हैं, फ्लूइड से फिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या प्रॉब्लम आती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे स्प्रेड होता है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी मतलब वो नहीं है कि आपको इसमें समझना है कैसे ट्रांसमिट होगा। मान लेते हैं कि मुझे निमोनिया है, मैंने स्नीज किया और स्नीज करने से क्या हुआ, कुछ ड्रॉपलेट एयर में आ गए और वही एयर के ड्रॉपलेट किसी इनहेल कर लिए और उसमें क्या प्रेजेंट था, उसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट था स्ट्रेप्टोकोकस या फिर हीमोफिलस, उनकी बॉडी में चले गए। तो इन्फेक्टेड पर्सन से किसी दूसरे की बॉडी में चले गए या फिर मैंने कोई ग्लासेस वगैरह यूज किए और मेरे यूटेंसिल्स इन्फेक्टेड थे, किसी नॉर्मल पर्सन ने उनको वहां पे टच कर लिया, शेयर कर लिया, उसकी वजह से वहां पे क्या होगा, ये स्प्रेड हो सकता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इनहेलिंग द ड्रॉपलेट और एरोसोल्स रिलीज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन ने क्या किया है, कोई भी ड्रॉपलेट रिलीज किया है, एरोसोल किया है, उसके बाद उसको कोई नॉर्मल पर्सन इनहेल करते। इसके अलावा शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। अब सिम्टम्स क्या क्या है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, फीवर आएगा, ठंड लगेगी, चिल, कफ, ये तो सबसे नॉर्मल प्रॉब्लम है कि अगर हमारे पास कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो कफ तो होगा ही होगा, हेडेक होगा। हेडेक क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, हमारे ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, इसके वजह से हमें सर दर्द होगा। इन सेवर केसेस लिप्स एंड फिंगर नेल्स टर्न ग्रे टू ब्लूइश कलर। तो हमारे पास क्या होता है, जो लिप्स होते हैं और जो हमारे फिंगर्स के अंदर जो नेल्स होते हैं उनका कलर ग्रे से ब्लूइश कलर क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको पता है जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है ना, तो हमारा जो बॉडी होती है थोड़ी थोड़ी आपकी ब्लूइश कलर नजर, ब्लूइश सी थोड़ी नजर आती है। आपने ये चीज पक्का ठंड में ऑब्जर्व की होगी, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन होता है तो हमारी बॉडी ऐसे हो जाती है थोड़ी जम, हमारा हम कहते हैं कि ब्लड जम गया, जिसकी वजह से हमें थोड़ा ब्लूइश ब्लूइश नजर आता है। हम थोड़ा अपने हाथ को रब करते हैं, रब करने के बाद क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पे सारा लिंक किसकी वजह से, ये सारे सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाता गैसेस का। और ये काफी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम वाली, मतलब निमोनिया जो हो गया, एक मतलब ब्रोंकाइटिस हो गया, इन डिजीज में सीरियसली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि सोचो अगर आप सांस ही नहीं ले पा रहे हो, आपको ब्रीदिंग में ही प्रॉब्लम हो रही है, तो वो बहुत ही मतलब ये कह लो कि बहुत ही मुश्किल वाला टाइम होता है अगर कोई भी पर्सन आपका निमोनिया से सफर कर रहा है, ब्रोंकाइटिस से सफर कर रहा है, मतलब ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है हमारे पास। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज है वो है डायसेंट्री। तो डायसेंट्री भी कौन कॉज करता है, बैक्टीरिया ही करता है, बैक्टीरिया का नाम है शिगेला बैक्टीरिया। और मैं आपको ये बता दूं, एनसीईआरटी के अंदर हमारे पास फर्स्ट था टाइफाइड और सेकंड का नाम है निमोनिया, इन्हीं के ही बैक्टीरिया मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा अभी हम जितने भी करेंगे ना, डायसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, ये सारे बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। ये एनसीईआरटी में मेंशन जरूर है, लेकिन किस बैक्टीरिया की वजह से हो रहे हैं ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। तो ये अभी आपकी आपके ऊपर है, अगर आप इसको याद करना चाहो आप कर सकते हो, नहीं याद करना है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। ओनली नाम इन दोनों के, मतलब बैक्टीरिया के नाम, कि कौन सा स्पेसिफिक बैक्टीरिया टाइफाइड कॉज करता है, कौन सा स्पेसिफिक बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करता है, ठीक है। तो डायसेंट्री, लेकिन डायसेंट्री बैक्टीरिया की वजह से होता है ये जरूर मेंशन है, बट बैक्टीरिया का नाम है शिगेला। और ये भी किसको इन्फेक्ट करता है, हमारी इंटेस्टाइन को ही इन्फेक्ट करता है, और इसकी वजह से क्या होता है, ब्लडी डायरिया, जिसको हम बोलते हैं मतलब जो लूज मोशन हो रहे हैं, लेकिन लूज मोशन में क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो ब्लडी डायरिया को ही बोलते हैं डायसेंट्री। क्योंकि देखो एक होता है नॉर्मल डायरिया जिसमें नॉर्मल लूज मोशन हो रहे हैं, एक और इसमें खून भी साथ में आ रहा है। अब वो क्यों आते हैं, क्योंकि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है वहां पे बहुत सारा इन्फेक्शन हो जाता है और इंटेस्टाइन क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, रप्चर होने की वजह से वहां से ब्लड रिलीज होता है, तो हमारे ब्लड भी आ जाते हैं डायरिया के अंदर। और ये किस वजह से होता है, क्योंकि वहां पर कौन प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया। इसके बाद प्लेग है,
तो हमारे पास जो प्लेग है ये भी कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम है यर्सेनिया पेस्टिस। ये भी अगेन आपकी मर्जी, आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना छोड़ भी सकते हो। अब इसको ट्रांसमिट कौन करता है? फ्लाइज करती है, फ्लीज करती है। ध्यान रखना ये यहाँ पे वेक्टर की तरह काम कर रही है। अभी अभी हमने बात की थी ना, हमें वेक्टर की भी, सॉरी नॉलेज होनी चाहिए।